नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है एमपी की महाडिबेट का। सत्ता के संग्राम में वोटिंग के बाद अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश मतगणना की तरफ आगे बढ़ रहा है, सियासी पारा और ज्यादा हाई होने लगा है। दावों के दम के बीच आरोपों की जंग शुरू हो गई है। आरोप भी ऐसे हैं मानो ईवीएम खुलने और जनादेश सामने आने से पहले ही विरोधियों को कटघरे में खड़ा करके खुद को हर हालात के लिए तैयार करने की कवायद हो रही हो। बहरहाल आरोप तो सियासी रवायत है जिसे बखूबी निभाया जाता रहा है और निभाया जा भी रहा है, लेकिन काउंटिंग से पहले किस तरह मतदान को लेकर हो रहा है वार पलटवार, वो जान लीजिए। तो शुरुआत विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन बूथ पर कांग्रेस के वोटर थे वहां बीजेपी के इशारे पर कराया गया धीमा मतदान, जिसकी वजह से कई लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए और इस मामले की शिकायत वोटिंग वाले दिन यानी 17 नवंबर को निर्वाचन आयोग से भी की गई थी। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हार के कारणों को बढ़ा रही है। पहले ईवीएम और अब धीमा मतदान का बहाना यह बताता है कि कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। बीजेपी के मुताबिक वो खुद कम वोटिंग वाले बूथ को लेकर मंथन कर रहे हैं और उसके कारण खोज रहे हैं। तो कम बूथ वाली सियासत में कांग्रेस के निशाने पर सीधा जिला प्रशासन है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर और पीठासीन अधिकारियों ने बीजेपी का एजेंट बनकर काम किया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस निर्वाचन आयोग की चौखट तक पहुंची गई है। कल ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, क्या वोटिंग के बहाने सियासी निशाना साधा जा रहा है। कई ऐसे पोलिंग सेंटर हैं जिन पे मतदान कम हुआ है और ये भी देखा गया उसमें कई जगह वहाँ के पीठासीन अधिकारी, उस सरकारी जो कर्मचारी थी, मशीनरी थी, उनकी कमी पाई गई। कई जगह हमने शिकायत भी की है कि जितना समय एक वोटर को मतदान करने में लगता है उससे कई ज़्यादा समय लगा। बल्कि भोपाल में कई अधिकारियों, जैसे चारमली क्षेत्र, वहाँ काफ़ी कम मतदान हुआ। वहाँ एक अलग विश्लेषण, कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे मतदान बहुत ज़्यादा प्रतिशत कम रहा है, तो उसकी भी हम लोगों ने शिकायत की है, उसकी जाँच की जा रही। हमने मांग की है कि देखा जाए मतदान का प्रतिशत आखिर कम क्यों रहा, क्योंकि लोग पर्याप्त आए और मतदान नहीं हो पाया, तो ये बताता है कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। कांग्रेस तो पराजय के बहाने तलाशना शुरू कर चुकी है। ईवीएम धनबल का दुरुपयोग, कभी डाक पत्र की बात करती है, अब एक नई बहाना लेकर सामने आ गई कि मतदान की गति धीमी रखी गई। ये सब विषय चुनाव आयोग के विषय है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थान है, वो चुनाव कराता है। तो मतदान की गति धीमी थी या नहीं थी, कांग्रेस सच कह रही कि झूठ कह रही, ये चुनाव आयोग तय करे। कांग्रेस चुनाव आयोग से बातचीत करे। चुनाव निकलने के बाद जब हार की स्थिति स्पष्ट है कांग्रेस के लिए, तो ये सब बातें करके कांग्रेस को ग्राउंड बना रही है ताकि 3 तारीख को मुंह छुपा सके। और हमारे साथ इस पर खास बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व विधायक है बीजेपी के राम दांगोरे जी, वो जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है मिथुन अहिवार जी। दिनेश निगम त्यागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अतुल शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी, पहला सवाल आपसे है, पहले ईवीएम फिर अधिकारियों पर छींटाकशी, अधिकारियों को लेकर शिकायत और अब ये आरोप कि बीजेपी के इशारे पर हुई है धीमी वोटिंग, क्या हार के बहाने ढूंढ रहे हैं आप? बीजेपी का आरोप है। देखिए, यदि किसी अधिकारी की शिकायत करना हार का डर है तो उससे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा डरी हुई है। इन्होंने राजस्थान में चुनाव आयोग से शिकायत की, इन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग से शिकायत की, इन्होंने डबल ट्रिपल इंजन की सरकार होती है मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग से भिंड कलेक्टर की शिकायत की, इन्होंने चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी जी की शिकायत की। तो हमारे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को और आम जनता को जहाँ जहाँ अगर कम वोटिंग की अगर कम वोटिंग हुई है तो वहाँ हम शिकायत कर दें। अगर हार का ये कारण भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी
जिसने आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने दलितों के चेहरे पर मलमल दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जो 27% पिछड़ों का आरक्षण खा गई, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका मानना है कि ब्राह्मण बनिया उनकी जेब में है, वो भारतीय जनता पार्टी जो राजपूत समाज की बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी करती है, उस भारतीय जनता पार्टी जिसने समाज के सभी वर्गों को तोड़ दिया, उस भारतीय जनता पार्टी को आज कोई वोट नहीं कर रहा है। तो जहां हमारी जो सीटें हैं 170 पार जाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जगह जगह जमानत जब्त हो, ये वोट प्रतिशत से ही तय होता है। और जिन लोगों को एंटाइटलमेंट थी वोट डालने की, यदि उनको वोट डालने नहीं दिया गया और हमारी जीत का मार्जिन कहीं कम होता है तो उसके लेकर के हमने शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी को यदि ये डर लगता है तो उसे तो उस डर जनता से डर लगना चाहिए जिसके दिए गए वोट को इन्होंने खारिज करते हुए 2018 में जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ था उसको खारिज करते हुए 35 करोड़ प्रति विधायक के मान से खरीदारी कर करके 2020 में सरकार बना ली। ये वोटों की इज्जत नहीं करते, ये वोट प्रतिशत की इज्जत नहीं करते, ये वोटिंग की प्रक्रिया की इज्जत नहीं करते हैं। और यही हमने कर्नाटक में देखा, यही मध्य प्रदेश में देखने जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने मैंडेट को, जो धीमा मतदान हुआ है या नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो उससे कितना असर पड़ जाएगा। धीमा मतदान होने की हमने शिकायत की है, हमारे मुकेश नायक जी ने भी एक शिकायत की है, 300 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को वोट नहीं डालने दिया गया। अगर कोई कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी में लगता है तो पहले से उसकी बैलेट की व्यवस्था कराई जाती है। इसी तरीके से कुछ लोगों भिंड के इलाके में यदि कहीं धीमा मतदान हो उसको लेकर के यदि हमने शिकायत कर दी तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता क्यों? भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि अगर चुनाव शिकायत करना क्राइटेरिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों वोटिंग की शिकायत तो बीजेपी की ओर से भी की गई है, हुई है या नहीं हुई है ये अलग जांच का विषय है, लेकिन ये बताइए कि जो ये शिकायतें आ रही हैं ये क्या 3 दिसंबर से पहले का इंतजाम है क्या? देखिए मैं बताना चाहता, 2008 ये कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी के नाम पर रोई, 2013 ये कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के नाम पर रोई, 2018 ये कांग्रेस ईवीएम के नाम पर रोई, 2023 ये फिर इलेक्शन कमीशन पर कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए 2008, 13, 18 और 23 में जैसे ही वोटिंग होती है ये कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू कर देती है, चारों चुनाव में कॉमन रहा है इनका, तो कुछ नहीं हो रहा है, सयानी बिल्ली खंभा नोचे ये भाई साहब अहिरवार जी जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी। अरे अपने सरकार के कार्यकाल में झांक करके देखो, अगर सरकार बनी है तो आपके विधायक दूध के धुले हुए थे क्या? उनको जरूरत क्या थी यहाँ आने की? हमने थोड़ी बुलाया था उनको, वो खुद चल करके आया और फिर हमने हमको मैंडेट मिला और हमने सरकार बनाई। आप तो मुद्दे की बात कीजिए, आज जनता आपके जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो इतने ज्यादा नर्वस डाउन हो गए हैं कि उस क्षेत्र में वोट डालने के लिए नहीं निकले, आपकी वजह से वोटिंग परसेंटेज डाउन होगा उस क्षेत्र में। नहीं तो आप लाडली बहना में देखिए, आप वोटिंग परसेंटेज चेक कीजिए, महिलाओं ने कितने स्तर पर वोट डाले हैं, वोटिंग परसेंटेज पूरी स्टेट में हाई हो चुका है। तो लाडली बहना का असर है, ये भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं का असर है कि वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है, वो जहां पर वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है वहां पर आपके कांग्रेस के लोग निकल करके वोट डालने में भी कतरा रहे हैं, इसके कारण वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया कुछ विधानसभाओं में। अतुल शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई में क्या आपकी भी कोई शिकायत है? आपसे मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से है। देखिए ये बात तो सही है कि स्लो वोटिंग कई बूथों में हुई है। मैं खुद बैरागढ़ के बूथ नंबर 42, हुजूर विधानसभा में बैरागढ़ आता है, बूथ नंबर 42 में मैं मौजूद था। सुबह 7 बजे से जो नागरिक मतदान काफ़ी उत्साह से मतदान करने के लिए आए थे 3 बजे तक वो लाइन में लगे थे। तो स्लो वोटिंग तो हुई है, इसमें दो राय की बात नहीं है। अब स्लो वोटिंग हुई है तो किस वजह से हुई है, कौन सी ऐसी तकनीकी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से स्लो वोटिंग हुई, इसका संज्ञान बिल्कुल पार्टियों को लेना चाहिए। और हम चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे ये कांग्रेस की बात हो, चाहे बीजेपी की, कोई भी पार्टी की बात हो जो चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव आयोग में जाके शिकायत कर सकती है और उसको जवाब देना चुनाव आयोग का बिल्कुल ही दायित्व तो बनता है। तो स्लो वोटिंग हुई है पहली बात। अभी मैं आपके चैनल में सुन रहा था कि शिवराज मामा जी ने आज कहा, कहीं उनकी सभा थी तो उन्होंने कहा कि बहन बेटियों का मुझे आशीर्वाद बहुत मिला मध्य प्रदेश मैहर में। तो अभी परिणाम आए नहीं हैं। हाँ मैहर में जी, अभी परिणाम आए नहीं हैं और ये आशीर्वाद अभी से लेकर बैठे हैं। 4 महीने पहले आपने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की, 1250 रुपये प्रति महीना उनके हाथ पे रख रहे हैं,
लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो मध्य प्रदेश की बहनें और बेटियां जो हैं तो वो शिक्षा से वंचित हैं, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। अच्छा। आपको मैं बात बताता हूं, भोपाल जिले का गांव है बरखेड़ा सालम, बरखेड़ा सालम में आप चले जाइए आपको कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिलेगा। अगर किसी महिला के साथ, किसी पुरुष के साथ किसी भी तरह की इमरजेंसी, कुछ स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित इमरजेंसी आती है तो उनको 15 किलोमीटर बैरागढ़ कहीं बैलगाड़ी के माध्यम से, कहीं दो पहिया वाहन के माध्यम से उनके परिवार जन ले जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं, जबकि स्थिति ऐसी रहती है कि रास्ते में भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको बहन बेटियां क्यों आशीर्वाद दें? सियासत है तो सियासत में आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और ना रवायत है। लेकिन जो 3 तारीख से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और अब ये धीमा मतदान वाला एंगल भी इसमें आ गया है, जरा आप समझाएं हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कि इसके मायने क्या है और ये कितना इम्पैक्ट डालता है जो स्लो वोटिंग अगर होती है कहीं पर। तो देखिए, एक समय ऐसा रहा है बहुत समय तक कि जब मतदान ज्यादा होता था तो अंदाजा लगाया जाता था कि सत्ता पक्ष के फेवर में है कि विरोध में है। मतदान कम ज्यादा का निर्णय होता था उसको लोग बाग अंदाज लगाते थे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन पिछले कई चुनावों का विश्लेषण करिए, कई चुनावों का आकलन करिए मतदान के आधार पर, तो कभी भाजपा जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है, कभी पक्ष जीतता है, कभी विपक्ष जीतता है, तो मतदान अब कोई मायने मुझे लगता है नहीं रखता है। जहाँ तक शिकायतों का सवाल है तो शिकायतें तो होगी, इतना लंबा समय मतदान और मतगणना के बीच में है कि जिसको जो समझ में आएगा, जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर शिकायतें करेंगे, उन शिकायतों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, अब शिकायतों पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं। जहां तक मतदान धीमा और तेज का सवाल है, वैसे भी कामकाज में देखिए बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जिनके काम की गति तेज होती है, बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी ऐसे होते हैं जिनकी काम की धीमी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मतदान कम या ज़्यादा, तेजी से या धीमी गति से किसी सरकार या किसी नेता के सहारे पर ऐसा हुआ होगा। हाँ, शिकायतें अपनी जगह है, शिकायतें हो रही हैं इस समय के अपनी कवायदें लगाई जा रही हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जहाँ कम मतदान हुआ है वहाँ अपना गणित है, जहाँ ज़्यादा मतदान हुआ वहाँ अपना गणित है। और इस समय जहाँ तक नतीजों को लेकर चर्चा का सवाल है, आप देखिए दोनों तरफ बराबरी का मुकाबला है। लंबा एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो कह रही है भाजपा फिर सत्ता में आएगी, एक वर्ग है जो चुप है और शांत है। तो ये चुनाव ऐसा है, आप याद करिए 18 के पहले के चुनावों को कि पहले से पता रहता था कि भाजपा आ रही है, एकतरफा वोटिंग होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी मैं आपसे त्यागी जी, जो ये साइलेंट होता है, जो ये वर्ग, क्या वो मेकर होता है, मेकर की भूमिका में होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। आप देखिए कि जो ये माहौल बनाता है ये होता है शहरी मतदाता, शहर वर्ग में जो लोग बातचीत करता है, लेकिन जो गाँव का मतदाता है, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, इनका बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है जो वोट करता है, लेकिन ये चर्चा में नहीं हो रहा। और शहर का मतदाता तो कई बार सिर्फ चर्चा ही करता रह जाता है, पोलिंग बूथ तक तो पहुंचता भी नहीं है। लेकिन अहिरवार जी, ये कितने जी अहिरवार जी, ये समझना होगा कि अगर इस तरह के पहले से ही आरोप प्रत्यारोप, ठीक है आपकी शिकायतें अपनी तरफ हैं, आप जा रहे हैं एजेंसीज के पास, वहां अपनी शिकायतों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में दर्ज भी करवा रहे हैं, लेकिन इस जिस तरह से ये ईवीएम को लेकर पहले वार चले कांग्रेस की ओर से, अब ये स्लो वोटिंग, तो कहीं ना कहीं मैसेज तो जाएगा ही ना कि क्या बता कांग्रेस अपने लिए शील्ड तैयार कर रही है हार से पहले। देखिए, शील्ड की बात नहीं है, जहां जहां शिकायतें आई हैं, आप हमसे प्रश्न पूछेंगे इस डर से कि हम लोग शिकायत करना छोड़ दें। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की लेबोरेटरी बना के रखा है, यहाँ 25 किलोमीटर की हवा चलती है तो महाकाल लोक धराशायी हो जाता है, यहाँ पहली बारिश में 300 करोड़ का कारम डैम फूट जाता है, आप देखें सतपुड़ा भवन में थोड़ी सी गर्मी से आग लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा, ईवीएम पर तो हमने अगर सवाल पूछे हैं तो क्या आपके नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम के खिलाफ किताब नहीं लिखी, हम तो उसके बारे में भी पूछना चाहते हैं, लेकिन आज वो विषय नहीं। आज विषय ये है कि चुनाव आयोग को यदि शिकायत करना हार का डर है तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर क्यों है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में बिंड कलेक्टर की हो चाहे प्रियंका जी की हो वो शिकायत की है। वो शिवराज चौहान जो स्वयं को फीनिक्स पक्षी मांग रहे हैं, वो ज्योतिरादित्य
सिंधिया जो स्वयं को काला कौआ कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने मध्य प्रदेश की व्यवस्था को चिड़ियाघर बना के रखा, उससे मध्य प्रदेश की जनता आज पूछ रही है कि आपको सरकार चलाने की दी थी, आपको सर्कस के लिए मध्य प्रदेश नहीं दिया था। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर के हमारे साथी ने एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि लाडली बहना की वजह से वोटिंग हुई है, तो लाडली बहना किस आधार पर आपको वोट दे? वो लाडली बहना जिसका किसान यदि ससुर है तो वो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, जिसका भाई बेरोजगार है क्योंकि आप 15 लाख लेकर के पटवारी बनाते हैं, जिसका बेटा आज स्कूल जा नहीं पाता क्योंकि सड़क नहीं है, उसके स्कूल में शिक्षक नहीं है, जिसकी बेटी की सुरक्षा की चिंता उसे दिन रात खाए रहती है, यदि आप सोचते हैं कि 1250 रुपये में आप उस लाडली बहना तो खरीद लेंगे? मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश की बहना का ईमान इतना बिकाऊ नहीं है, आपको इस बात को समझना होगा। उस लाडली बहना की पोल आपके ही नेता रघुनंदन शर्मा जी ने खोल दी, उन्होंने कहा लाडली बहना को हमें कोई लाभ नहीं मिला, हमें सीख करके 2024 के चुनाव की तैयारी करना चाहिए, ये तो आपका यकीन है। और वो 18 साल की सरकार जिसके पास कोई योजना बताने के लिए नहीं, जो उसको लग रहा था कि आखिरी के 3 महीने में हम चुनाव जीतेंगे, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि कोई माल प्रैक्टिसेस की, और ये क्या पहली बार है? क्या संजय कुमार मिश्रा नामक आपके एक अधिकारी ने नहीं कहा कि 25 साल तक भाजपा को जिताओ? इस तरीके का अधिकारी चाहिए आपको? क्या इमरती देवी ने यह नहीं कहा कि हम कलेक्टरों के भरोसे चुनाव जीतेंगे? इस तरीके का अधिकारी चाहिए आपको? तो भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में आने की तैयारी कर ले, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। हम पर आरोप यदि आप इलेक्शन कमीशन के मायने में लगाते हैं तो बताइए आपने भिंड कलेक्टर की शिकायत क्यों की, इस बात का जवाब दीजिए। राम दांगोरे जी, पहला सवाल तो जिस तरह से अहिरवा जी ने खुद ही पूछ लिया कि आपकी पार्टी ने भिंड कलेक्टर की शिकायत क्यों करी, दूसरा ये सीधा आरोप लगाया है कि सरकार नहीं सर्कस चला रही थी बीजेपी। देखिए मेरे प्रवक्ता साथी, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थान है और जब चुनाव होते हैं तो कोई सरकार नहीं होती, कोई विपक्ष नहीं होता, कोई पक्ष में नहीं होता है, दोनों एक प्रतियोगी की तरह दोनों ही प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। अगर हमको कुछ कमी लग रही है तो हम शिकायत करेंगे जो कि हमने करी। अब इनको कौन सी तकलीफ हो गई कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे घबराए मत मेरे भैया, तुमको पूरा समझ गया, मेरे को बोलने दो, मत घबराओ, मेरे कांग्रेस के सुन लीजिए, वो नहीं बोले जब आप बोल रहे थे, आप आ रहे हैं इसलिए शिकायत कर रहे हैं ना। अरे मिथुन भैया, आ रहे हैं इसलिए शिकायत कर रहे हैं ना, इसको एड्रेस तो कर दीजिए सर, केवल एक प्रश्न, आप आ रहे हैं इसलिए बात बोल रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे, आप सुन लीजिए, कांग्रेस के भूखे बैल खा गए शक्कर पी गए तेल, ये मेरे को समझा रहे हैं। इन्होंने कहा किसानों को कुछ नहीं मिलता, तुमने झूठ बोल करके सरकार बनाई, किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, किसानों की कर्ज माफी का पैसा क्यों खा गई भाजपा? मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से 15 लाख के हिसाब से क्यों भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खाया? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का कुपोषण का पैसा क्यों खाया? भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों के विवाह का पैसा क्यों खाया? भारतीय जनता पार्टी तुम लोगों ने पैसा क्यों खाया? मध्य प्रदेश की कर्ज माफी का पैसा तुम किसानों के खेत से उनकी फसलें काट लेते हो इसलिए तुम्हारी सरकार नहीं आती है, इसलिए तुम्हारी सरकार नहीं आती है, तुम डीपी खा जाते हो किसानों की, तुम किसानों का खाद खा जाते हो, तुम गरीबों का राशन खा जाते हो, तुम स्कूल देते हो, ऐसे किसी की बात किसी को समझ ही नहीं आएगी। तुमको कहते हैं कांग्रेस के झूठे बेल खा गए शक्कर पी गए तेल, अरे तुम क्यों पीते, तुम क्यों पीते, अरे पीते हुए राम दांगोरे जी सुन लीजिए, आप पार्टी है कांग्रेस खरीदा, तुमने क्यों खरीदा, तुमने मैडम मिथुन जी आपको पूरा समय मिला, आप देखिए आपने अपनी खामोशी से बात रखी है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, सुन लीजिए, समय मुझे मिलना चाहिए। राम दांगोरे जी आदमी नहीं है, राम दांगोरे जी मैंने बोल दिया है उन्हें, मिथुन जी आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, मैं बोलूं जी जी, एक तो मेरा आग्रह है कि कांग्रेस से ऐसे प्रवक्ताओं को लाया जाए कि जो सामने वालों को भी बोलने का पूरा मौका दे, इनको अनुभव नहीं है शायद। ठीक है सर, बोलिए आप। पहला मतलब इन्होंने किसानों की बात रखी है, भैया चुपचाप हो जाओ, बोलने दे, चुपचाप हो जाओ, मेरी बारी है। इन्होंने कहा किसानों को कुछ नहीं मिला, इन्होंने सरकार बनाई, किसानों के नाम पे सरकार बनाई, बीच में आप ये शासन दिखाएंगे क्या अगर सरकार बन गई आपकी? तो विषय पे बात करिए, विषय पे क्या है,
विषय पे बात करिए, आरोप लगाना है जवाब दे रहा हूं, बताइए राम गांगोरे जी, आरोप लगाया हम जवाब दे रहे हैं। 2 लाख कर्जा माफी बोल करके सरकार बनाई, इन्होंने किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। आत्महत्या करने वाला पहला किसान हमारी विधानसभा के अस्तर गांव का था, पहला किसानों को छला इन्होंने। दूसरा, इन्होंने कहा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4000 रुपए भत्ता देंगे। कोई एक युवा का नाम ले लीजिए मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के साथी कि जिस युवा को तुमने 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया होगा, एक को भी नहीं दिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने युवाओं को कहा रोजगार के अवसर देंगे, तो ढोल बजाने और ढोल चराने की ट्रेनिंग कमलनाथ सरकार ने निकाली, जो गजट में आपको दिख जाएगा। ये कांग्रेस जो प्रोपोगेंडा खड़ा कर रही है 2008, 2013, 2018, 2023, फिर मैं आंकड़े बता रहा हूं, आफ्टर वोटिंग ये लोग इस प्रकार का प्रोपोगेंडा खड़ा करते हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनकी सरकार नहीं आ रही है। ये बिके हुए विधायकों के साथ में, बिके हुए प्रत्याशियों के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव के टाइम पर ये जागते हैं। अरे तुम्हारे विधायक है, तुम खुद बोल रहे हो, अब तक भाजपा ने नहीं माना था, विधायक बिके हुए लोग हैं, तुम ऐसे ही लोगों को लेकर स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप स्वीकार कर रहे हैं ना, तुम स्वीकार कर रहे हो ना, आप स्वीकार कर रहे हो ना, विधायक बिक गए, स्वीकार कर रहे हो ना, बहुत धन्यवाद आपका। भ्रष्टाचार की जनता का नहीं चल रहा था, चल गया। दो मेहमान जुड़ गए, समय दीजिए मिथुन भैया, भ्रष्टाचार बराबर कांग्रेस। मिथुन जी, आपने अपने नाम को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया लगता है मुझे, थोड़ा शांत हो जाइए सर जी। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, एक बार रिपीट कर दीजिए। जी जी, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए मैं। त्यागी जी, चाह रहा था सर, ये प्रोपेगेंडा है, ये क्या है, ये क्या, ये ऐसा करके जो राजनीतिक दल है वो क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ नहीं है, राजनीति है। आप देखिए, चुनाव हो गया, मत प्रचार के दौरान कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, सब सामने आ गया, सब पब्लिक के सामने है। जनता को किसको वोट देना है, दे चुकी ईवीएम में सबका नतीजा भाग्य तय है। अब तो मतगणना के पहले की ये लड़ाई है और राजनीति में चलती रहती है। मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है, उसका कोई फायदा है, क्योंकि पब्लिक को मालूम है किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया है, और रिजल्ट जो है सो आने वाला है। हाँ, ये आकलन कर सकते हैं किसका वोट किसको मिला, किसका वोट किसको नहीं मिला, भाजपा किसकी दम पे सरकार बनाने की सोच रही है, और कांग्रेस को किन वर्गों पर भरोसा है जो उसको वोट देंगे। यहाँ तक किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, इन सब के मुद्दों की बात है, तो ये मुद्दे चुनाव के दौरान खूब आ चुके हैं, जनता के सामने आ चुके हैं, सभाओं में हर कोई उठा चुका है, सरकार अपनी योजनाएं बता चुकी है, कांग्रेस अपनी गारंटियां बता चुकी है, तो पब्लिक को जो करना है पब्लिक तो कर चुकी है।